नमस्ते दोस्तों, ये हमारी आज की हेडिंग जो दी हुई है कि केस ऑफ पोल्स ऑन द रियल एक्सेस, यानी कि कहने का क्या मतलब है। अभी तक हम लोग अगर प्रीवियस लेक्चर्स को समराइज करें तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx dx, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम लोगों का क्या रहता है। हम लोग जो fx होता है इसको करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बनाते हैं, यानी कि fz में बनाने के बाद हम लोग जो हमारा fz है इसको तीन कंडीशन से गुजरना पड़ता है। पहली है, सबसे पहला हम लोग क्या रखते हैं कि हम लोग सिर्फ वही पोल कंसिडर करते हैं जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर होते हैं, यानी कि पोल्स इन दी अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जेड प्लेन बनाते हैं जिसमें से हम लोग अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन ले रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ वही पोल कंसीडर करते थे जो हमारे रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हो, जैसे कि ये 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 ये। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि हमारा जो फंक्शन हो इसका कोई भी पोल रियल एक्सिस लाइन पे ना हो, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या थी कि नो पोल ऑन द रियल एक्सिस, यानी कि जो रियल एक्सेस हो उस पर कोई भी पोल ना हो, यानी कि यहां पे यहां पे यहां पे कोई पोल ना हो। और तीसरी कंडीशन क्या कहती थी कि जब मॉड जेड हमारा इनफाइनाइट को जाए तो जेड एफ जेड हमारा जीरो को टेंड करे। अगर एफ जेड हमारा ये तीनों कंडीशन जब फॉलो कर लेता था तो इस प्रकार के जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते थे बाय द मेथड ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन, तो ये किसके इक्वल होता था? ये इक्वल होता था कि जितने भी ये पोल दिए होते थे इनके करेस्पॉन्डिंग हम लोग रेसिड्यू निकालते थे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एन पोल्स हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाला आर वन, इसके करेस्पॉन्डिंग निकाला आर टू, ऐसे निकाला आर थ्री, ऐसे निकालते निकालते आर एन, और इन सारे रेसिड्यूज का सम करते थे आर वन प्लस आर टू से लेके आर एन, इसको मान लेते थे समेशन आर प्लस। आर प्लस क्यों? क्योंकि एक तरह से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ वही पोल्स ले रहे हैं जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर है। तो यानी कि अगर हमें इस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आती थी वो किसके इक्वल आती थी? वो आती थी समेशन आर प्लस और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, यानी कि सारे सम ऑफ रेसिड्यूज और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का होता था, जो अभी हम लोगों ने भी प्रीवियस दो लेक्चर्स में देखा भी है और पढ़ा भी है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, या अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का होता था कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स साइन एम एक्स डी एक्स और एम को होना पड़ता था पॉजिटिव, तो इस प्रकार के भी अगर हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, ये जो हमारा एफ एक्स जो कि कुछ नहीं पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होता था, इसको भी हम लोग करेस्पॉन्डिंग जेड फंक्शन में ले आते थे, यानी कि एफ जेड जो कि पी जेड अपॉन क्यू जेड, और पी जेड क्यू जेड क्या होते थे? हमारे पॉलिनोमियल्स। इनकी भी वही तीन कंडीशंस थी कि हम सिर्फ वही पोल कंसीडर करते थे जो हमारे रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हो, यानी कि पोल्स इन द अपर हाफ प्लेन, दूसरा कि हमारा कोई भी पोल रियल एक्सिस लाइन पे ना हो, नो पोल
ऑन द रियल एक्सिस, और तीसरा कि डिग्री जो हो क्यूजेड की, डिग्री ऑफ क्यूजेड एक्सीड्स डेट ऑफ पीजेड, यानी कि जो पॉलिनोमियल पीजेड अपॉन क्यूजेड है, तो क्यूजेड जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए थी किससे, पीजेड पॉलिनोमियल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है पीजेड अपॉन क्यूजेड, अगर क्यूजेड की डिग्री ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है एक जेड हमारा नीचे होगा, तो जब जेड हमारा इनफाइनाइट को जाएगा तो ये एफ जेड हमारा किधर टेंड कर जाएगा, जीरो पे टेंड कर जाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग क्या करते थे कि डिग्री क्यूजेड की ज्यादा ले लेते हैं किससे, पीजेड से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो इस प्रकार के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते थे इनकी वैल्यू भी किसके इक्वल होती थी, कि जितने भी रियल एक्सिस लाइन के ऊपर पोल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालते, उन रेसिड्यूज का सम करते, यानी कि समेशन आर प्लस और टू पाई आयोटा से मल्टीप्लाई। तो ये यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब बात यह आ जाती है कि अगर हमारा पोल रियल एक्सिस लाइन पे आ जाए, यानी कि हमारा पोल यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए यानी कि रियल एक्सिस लाइन पे आ जाए, तो ये वाली कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगी। और अगर इस प्रकार का भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा तो यहां पे भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स? और अगर आप ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक पोल हमारा 2 है जो रियल एक्सिस लाइन पे आएगा, और एक पोल हमारा 0, और यहाँ पे 1 और -1 भी हमारे जो पोल्स हैं ये हमारे किस पे आ रहे हैं, रियल एक्सिस लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि रियल एक्सिस लाइन पे आ रहे हैं, तो इनको यानी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो इनको हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी कि कौन सा केस आ रहा है कि पोल्स जब हमारे रियल एक्सिस लाइन पे होते हैं तब हम अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सीखेंगे। तो मैं आपको बोर्ड रब करके जो रिजल्ट है वो लिख के आपको समझाऊंगा, फिर ये हम दोनों जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिससे जब हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का जो इंटीग्रल है उसका पोल अगर रियल एक्सिस लाइन पे आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन है, क्या है कि हम सिर्फ वही पोल्स कंसिडर करेंगे जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर होंगे। तो मान लीजिए कि जो पहली कंडीशन अभी तक हम लोगों ने देखी है वो तो रहेगी, यानी कि अगर पोल्स के, अगर इंटीग्रल का कोई पोल है और तो हम वही पोल कंसिडर करेंगे जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हम सिर्फ यही पोल्स कंसिडर करेंगे। अब मान लीजिए कुछ जेड पोल्स हैं, यानी कि ये Z1, ये Z2, Z3, ऐसे करते करते Zj, यानी कि J पोल्स हैं हमारे। अब क्या है, हमारे रियल एक्सिस लाइन पे भी पोल्स दिए हुए हैं, इनको हम लोग ब्लैक डॉट से दिखाते हैं। अब यानी कि रियल एक्सिस लाइन पे भी हमारे पोल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे है। अब ये जो रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स हैं इनको नाम दे देते हैं T1, तो ये हो गया T1, ये हो गया हमारा T2, यहाँ पे भी एक आ गया, तो ये हो गया T3, ऐसे करते करते यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे TL। ये जो रेड वाले हैं ये पोल्स हमारे कौन से हैं, जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हैं, और ये जो ब्लैक वाले पोल्स हैं ये हमारे रियल एक्सिस लाइन पर हैं। हमें बस ये अब की दो केस ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब की हम लोगों ने वो वाले भी पोल्स को अलाउ कर दिया है जो रियल एक्सिस लाइन पे हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, जरा उसको समझिए। अगर हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म का हो कि इफ एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड अपॉन क्यू जेड, वेयर पी जेड एंड क्यू जेड
आर पॉली नॉमियल्स और दी डिग्री ऑफ क्यूजेड एक्सीड्स डैट ऑफ पी जेड, यानी कि जो हमारी पुरानी दो कंडीशंस रही वो एज इट इज रहेंगी, बस हम लोगों की एक नई कंडीशन ऐड हो रही है। अब आप देखिए ये एफ जेड है, इसके आप देखें तो ये हमारा एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन हो तो सिंगुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ पोल होती है, और पोल निकालने का क्या तरीका है, आप डिनोमिनेटर को जीरो कर दो। तो यानी कि क्यू जेड को अगर आप जीरो करोगे तो हमें एफ जेड के क्या मिल जाएंगे, पोल्स, यानी कि जो जीरोज ऑफ क्यू जेड होंगे, जीरोज का मतलब क्या, वो पॉइंट जिनको हम लोग क्यू जेड में पुट करेंगे तो क्यू जेड जीरो हो जाएगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ क्यू जेड, तो वो क्या होंगे, हमारे एफ जेड के पोल्स, यानी कि क्यू जेड के जो जीरोज हैं वो एफ जेड के क्या होंगे, पोल्स। तो यानी कि कहने का क्या मतलब कि इफ क्यू जेड हैज सिंपल सिंपल जीरोज एट द पॉइंट T1, T2 और ऐसे ऐसे करते करते TL ऑन द रियल एक्सेस, रियल एक्सेस, देन, कहने का क्या मतलब कि QZ के जो सिंपल जीरोस, जो कि कौन कौन से पॉइंट है, T1, T2, T3, TL, कहां पे, रियल एक्सेस पे है, ये जो जीरोस हैं QZ के, ये क्या हुए, पोल्स, किसके, FZ के। और एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, सिंपल, यानी कि जो रियल एक्सेस लाइन पे जो एफ जेड के पोल्स होंगे ये सिंपल होंगे, यानी कि ऑर्डर वन के, यानी कि नॉन रिपीटेड पोल्स ही हम लोग लेंगे और कोई नहीं। तो यानी कि अगर हम लोग अलाउ तो कर रहे हैं कि आप पोल्स रियल एक्सेस लाइन पे रखिए, मगर शर्त ये है कि ये जो पोल्स होंगे फंक्शन के, ये हमारे सिंपल पोल्स होंगे। अगर ऐसा है, यानी कि इफ क्यू जेड हैज सिंपल जीरोस एट द पॉइंट्स T1, T2 से लेके TL ऑन द रियल एक्सेस, देन आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx dx होगा, तो ये किसके इक्वल होगा। अब यहां से बहुत ध्यान से देखिए, पहले दो केसेस में क्या था कि 2π i से मल्टीप्लाई करा देते थे जो रियल एक्सेस लाइन के ऊपर जितने पोल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालते। तो अभी भी हमारे रियल एक्सेस लाइन के ऊपर क्या है, पोल्स, तो इनके करेस्पॉन्डिंग जितने भी हैं इन सबका रेसिड्यू निकालिए और सम करिए, यानी कि समेशन के इक्वल टू वन से कितने पोल्स हैं हमारे, जे पोल्स हैं, तो वन से जे रेसिड्यू निकाला है किसका, फंक्शन का, जो कि है एफ जेड, जेड इक्वल टू जेड के, यानी कि जितने भी रियल एक्सेस लाइन के ऊपर जितने भी पोल्स हैं उन सबका आप क्या करिए, उनके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालिए, उन सबका सम करिए और 2π i से मल्टीप्लाई करिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर कि ये तो अभी हमारा सेम एज इट इज ही है कि जो दो कंडीशन में था कि हम लोग जितने भी रियल एक्सेस लाइन के ऊपर पोल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाला, 2π i से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर उस टाइम पे हमारे रियल एक्सेस लाइन पे पोल्स नहीं थे, मगर अब की हमारे दिए हुए हैं कि रियल एक्सेस लाइन पे भी पोल्स हैं। तो क्या करिए आप, जितने ये रियल एक्सेस लाइन पे पोल्स दिए हुए हैं इनके करेस्पॉन्डिंग भी आप रेसिड्यू निकालिए और इनका सम करिए। तो मानिए कि समेशन के इक्वल टू वन से कितने पोल्स दिए हुए हैं, एल, ये सारे कहां पे हैं, रियल एक्सेस लाइन पे, वन से एल क्या निकालिए आप, रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किन किन पॉइंट्स पे, जो हमारे रियल एक्सेस लाइन पे दिए हुए हैं, टी इक्वल टू टी के, यानी कि T1 पे T2 पे T3 से TL, यानी जितने भी हमारे रियल एक्सेस लाइन पे पोल्स दिए हैं इन सबके करेस्पॉन्डिंग आप रेसिड्यू निकालिए और क्या करिए,
उन सबका सम करिए और ये जो सम आए उसको पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, पाई आयोटा यहां पे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कौन से, जो पोल्स हमारे रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हैं, और यहां पे हम लोग पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा रहे हैं जो हमारे रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स दिए हुए हैं, यानी कि T1, T2, T3, TL, और इन दोनों को आप निकाल के एड कर दीजिए। क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो हमें इस प्रकार के इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसका जो इंटीग्रल है जिसके पोल्स हमारे रियल एक्सिस लाइन पे आ रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब यहां पे हम लिख दें कि ये z1 z2 क्या है, वेयर z1 z2 zj आर पोल्स ऑफ द fz इन द अपर हाफ ऑफ द प्लेन, यानी कि अपर हाफ ऑफ द प्लेन के ऊपर जितने भी z1 z2 zj क्या है, पोल्स है। तो ये हमारा ये रिजल्ट रहेगा, यानी कि अगर हमारा कोई इंप्रॉपर इंटीग्रल दिया जाए तो आप क्या करिए, उसके आप पोल्स निकालिए, जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर पोल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल के 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराइए, जो रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स हैं उनका आप रेसिड्यू निकाल के पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराइए और फिर ऐड कर दीजिए, तो हमें इस प्रकार के इंप्रॉपर इंटीग्रल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है और यही डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, ये जो दो हमने स्टार्टिंग में इंप्रॉपर इंटीग्रल्स देखे थे उनको सॉल्व करेंगे इन्हीं दो डायरेक्ट रिजल्ट से। तो चलिए मैं बोर्ड रब करके आपको वो दोनों इंप्रॉपर इंटीग्रल्स कराता हूं और इस रिजल्ट का यूज करता हूं। तो चलिए अब ये हम लोग पहला वाला इंप्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स अपॉन x³-8 dx, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है, इसको करेस्पॉन्डिंग जेड फंक्शन में बनाना। तो लिखेंगे कि लेट fz इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप जेड कर दीजिए, यानी कि जेड अपॉन z³-8। तो आप देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस फॉर्म का है, pz अपॉन qz से, ठीक है। तो pz हमारा क्या है, pz हमारा z है और qz क्या है हमारा, qz हमारा z³-8 है। तो आप देख सकते हैं कि qz जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री ज्यादा है किससे, pz से, क्योंकि qz की डिग्री है कितनी, 3 और pz की डिग्री है 1। तो पहली कंडीशन तो हम लोग की सेटिस्फाई हो रही है। अब काम क्या करेंगे, हम लोग पोल्स निकालेंगे fz के, पोल्स ऑफ fz इक्वल टू z अपॉन z³-8 आर गिवन बाय z³-8 इक्वल टू 0। यानी कि हम लोगों को पता है कि अगर हमारा फंक्शन रैशनल होता है तो वहां पे सिंगुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ पोल होती है। पोल निकालने का क्या तरीका है, आप डिनोमिनेटर को 0 कर दो, तो z³-8 को हमने 0 कर दिया। That is, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z-2 z² + 2z + 4 = 0। आप सोच रहे हैं कि हमने कैसे लिखा, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a³-b³ = a-b, a² + ab + b². तो z³-2³ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो हमारे पोल्स आ गए, पोल्स हमारे आए z=2, z² + 2z + 4 एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके रूट्स भी मिल जाएंगे। तो z-b यानी कि -2 ± √b² यानी कि 4 -4ac यानी कि 4 × 1 = 4 = 16 अपॉन 2a, 2 × 1 = 2, तो ये -2, अब देखिए आएगा ये -12,
माइनस 12 का स्क्वायर रूट करोगे आप तो आएगा प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन 2। तो ये z हमारा क्या आया, माइनस 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो हमारे पोल्स और क्या क्या आया, हमारा एक पोल आया माइनस 1 प्लस √3 आयोटा, इसको मान लीजिए आप अल्फा से अल्फा, और एक पोल आया हमारा माइनस 1 माइनस √3 आयोटा से बीटा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम ये जितने भी पोल्स हैं इनको लोकेट करेंगे। हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है कि हम लोग सिर्फ वही पोल्स कंसीडर करेंगे जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर होंगे और जो रियल एक्सिस लाइन पे होंगे, रियल एक्सिस लाइन के नीचे वाले हम लोग नहीं लेंगे। तो 2 z इक्वल टू 2 हमारा सिंपल पोल है, तो ये हमारा कुछ कहां पे होगा, यहां पे होगा z इक्वल टू 2। फिर है अल्फा यानी कि माइनस 1 प्लस √3 आयोटा, यानी कि अल्फा हमारा कुछ यहां पे होगा z इक्वल टू अल्फा। अब बीटा माइनस 1 माइनस √3 यानी कि रियल एक्सिस लाइन के नीचे आ रहा है। हम लोगों की बात हो चुकी है कि हम लोग सिर्फ रियल एक्सिस लाइन के ऊपर वाले ही पोल कंसीडर करेंगे और जो रियल एक्सिस लाइन पे होंगे उनको, तो ये अलग से हम लोग को लेना देना नहीं है। इसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल, यानी कि माइनस 1 माइनस √3 आयोटा से हमें कोई लेना देना नहीं, इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, जो पोल्स हमारे रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हैं या जो रियल एक्सिस लाइन पे, आप इनके करिस्पॉन्डिंग आप रेसिड्यू निकालोगे। हम लोगों की थ्योरम में क्या बात हुई कि जो रियल एक्सिस लाइन पे पोल हो ये सिंपल होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पोल निकले सारे सिंपल हैं। तो लिख सकते हैं कि नाउ z इक्वल टू 2 इज अ सिंपल पोल लाइन, सिंपल पोल किसका है, फंक्शन का, ऑफ एफ जेड लाइन ऑन द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जेड इक्वल टू अल्फा भी हम पोल कंसीडर कर रहे हैं, इज ऑल्सो अ सिंपल पोल लाइन इन द अपर हाफ प्लेन, यानी कि अपर हाफ प्लेन पे हमारा ये लाई कर रहा है। यानी कि हमारी बात हो चुकी है कि एक तो हम पोल z इक्वल टू अल्फा कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये रियल एक्सिस लाइन के ऊपर है, और एक रियल एक्सिस लाइन पे कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि z इक्वल टू 2, ये भी हमारा सिंपल है, बीटा वाले से लेना देना नहीं। आप काम क्या करिए, आप दोनों के करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालिए। तो सबसे पहले z इक्वल टू 2 पे हम लोग निकाल लेते हैं, रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, z इक्वल टू पे 2 पे। क्या तरीका है, जिस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करे। हमें 2 पे निकालना है तो z किस पे टेंड करेगा, 2 पे। फिर z माइनस 2 यानी कि z का सब्ट्रैक्शन होगा जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, रेसिड्यू, यानी कि z माइनस 2 इंटू एफ जेड। अब बच्चों हम लोगों को पता है एफ जेड क्या है, z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 एफ जेड, एफ जेड है हमारा z अपॉन z क्यूब माइनस 8। z क्यूब माइनस 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4। अभी हम लोगों ने देखा कि z क्यूब माइनस 8 को हम लोग z माइनस 2 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 भी लिख सकते हैं। z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट पुट करिए आप, तो ये होगा 2, यहां पे पुट करेंगे 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 4 8 12। तो यानी कि इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा, 1/6। तो ये रेसिड्यू हम लोगों ने निकाल लिया z इक्वल टू 2 पे। अब z इक्वल टू अल्फा पे निकाल लेना है, रेसिड्यू किसका, एफ जेड का, किस पॉइंट पे, अल्फा पे। ये भी हमारा सिंपल पोल है, तो यही तरीका कि जिस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां आपके लिमिट टेंड करें, z टेंडिंग टू अल्फा, z माइनस अल्फा, एफ जेड हमें पता है, z अपॉन z माइनस 2। अब यहां पे ध्यान से देखिए, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 के हमारे दो रूट आए, अल्फा और बीटा,
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फोर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा तो रूट्स हैं, तो ये जेड माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, आप लिमिट पुट कर दें, तो ये हो गया अल्फा, ये हुआ अल्फा माइनस टू, ये हुआ अल्फा माइनस बीटा, सिंपल। अल्फा क्या है? माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा। आप देखिए अल्फा हमारा है माइनस वन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा, अल्फा माइनस बीटा, तो जब अल्फा माइनस बीटा होगा तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया टू रूट थ्री आयोटा, टू रूट थ्री आयोटा। अब एक काम करें आप, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये जो माइनस वन है इसको आप आयोटा स्क्वायर मान लो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता क्या है हमारा माइनस वन, ये रूट थ्री आयोटा। अब एक काम करिए आप, रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस थ्री रूट थ्री, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा थ्री आयोटा, टू आयोटा हम लोग बाहर लिए हुए हैं। अब एक काम करिए, आयोटा एक से बाहर ले लो, तो ये आयोटा आयोटा प्लस रूट थ्री, इधर काम ये करो आप कि थ्री इससे कॉमन ले लो, तो थ्री इंटू टू सिक्स आयोटा, जब थ्री कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट कर दो। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा से, माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा से। अब देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो देखेंगे कि ये आएगा माइनस रूट थ्री आयोटा, फिर ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो यानी कि प्लस वन, आयोटा मल्टीप्लाई हो गया सबसे, अब रूट थ्री का मल्टीप्लाई, तो ये होगा माइनस थ्री, अब माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा से होगा तो आएगा माइनस रूट थ्री आयोटा। अब देखिए ये थ्री प्लस वन फोर, सिक्स इंटू फोर, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू, क्योंकि वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस रूट थ्री आयोटा माइनस रूट थ्री आयोटा माइनस टू रूट थ्री आयोटा, 24, टू कॉमन ले लो आप, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा 24, तो ये क्या आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन 12। अब हम लोग क्लियर है, हम लोगों को रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या था बच्चों हम लोगों का, कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए डीएक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करें, ये जो फंक्शन है इसका जो पोल आपका रियल एक्सिस लाइन के ऊपर आया है उसका सम करके टू पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, तो यानी कि टू पाई आयोटा मल्टीप्लाइड रेसिड्यू, रियल एक्सिस लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पोल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमने रेसिड्यू निकाला, जो कि कौन सा पॉइंट अल्फा, और जो रियल एक्सिस लाइन पे हमारा जो पोल है उसका मल्टीप्लाई कराइए पाई आयोटा से, मल्टीप्लाई रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू टू पे, बहुत सिंपल हो गया, टू पाई आयोटा अल्फा पे हमने अभी निकाला रेसिड्यू, हमारा क्या आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, इसको स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं 12, और पाई आयोटा और जेड इक्वल टू टू पे हमारा रेसिड्यू क्या आया 1/6। अब एक काम करें, टू से ये कैंसिल हो गया तो सिक्स हो गया, पाई आयोटा सिक्स बाहर ले लो आप, पाई आयोटा सिक्स यानी कि पाई आयोटा कॉमन है तो बाहर ले लिया, सिक्स सिक्स भी है डिनोमिनेटर में कॉमन तो इसको भी बाहर ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बचा क्या माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, इसमें प्लस वन ये कैंसिल आउट हो गया। अब आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो पाई बाई सिक्स, तो आ जाएगा माइनस रूट थ्री आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और माइनस वन का माइनस वन से माइनस रूट थ्री से माइनस वन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों रूट थ्री, तो ये हमारा
रिजल्ट आ गया √3 पाई/6। और ये हमने कैसे निकाला? कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सिंपली क्या किया, पोल्स निकाले। कौन से पोल कंसीडर कर रहे हैं? जो हमारे रियल एक्सिस लाइन के ऊपर है, जैसे z इक्वल टू अल्फा, बीटा को भूल गए। अब यहां पे देखिए हम लोगों का कौन सा केस आया कि केस ऑफ पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, यानी कि जब हमारा रियल एक्सिस पे पोल आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब उसके करेस्पॉन्डिंग भी रेसिड्यू निकालो। और क्या करिए, रेसिड्यू निकालने के बाद उसका पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर पोल्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग जो रेसिड्यू निकालो उनका 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराइए और सम कर दीजिए, तो आपको अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हल हम लोगों ने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। अब हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी आधा फंक्शन हम लोग ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 0 से ∞ sin πx/(x1 − x²) dx। तो आप देखेंगे कि ये हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे? साइन पाई एक्स, जब यहां पे अगर आप माइनस एक्स डालोगे तो माइनस आएगा, यहां से यहां पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर से कोई फर्क नहीं। तो ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन पाई एक्स अपॉन एक्स 1 − x²dx। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर न्यूमरेटर में कोसाइन या साइन फंक्शन हो तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। बड़ा आसान है इसको करना, हाफ एज इट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर आयोटा पाई एक्स अपॉन एक्स 1 − x²dx। और आपका ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करके आए, आप इसका ले लो इमेजिनरी पार्ट। कौन सा ले लो पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। रुकिए जरा, रुकिए, पता नहीं क्यों इमेजिनरी पार्ट आप ले लीजिएगा, यानी कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट लीजिएगा। अब एक काम करिए, ये जो हमारा दिया हुआ इंटीग्रल, इसको आप करेस्पॉन्डिंग जेड फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि लेट fz = e^(i)z जेड 1 − z²। अब क्या करिए, आप पोल्स निकालिए fz के, पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाय हमारा फंक्शन रैशनल है, रैशनल फंक्शन है, सिंगुलैरिटी पोल होगी। पोल निकालने का तरीका, आप डिनोमिनेटर को जीरो कर दो। पोल्स निकालने के लिए z1 − z² को कर दिया जीरो, दैट इज z1 − z1+z = 0। तो हमारे पोल्स आ गए, हमारे पोल्स आए, एक जीरो आया, एक आया 1, एक आया -1। तो हम कह सकते हैं कि नाउ z = 0, 1 − 1 are simple poles of fz lying on the x-axis। यानी कि ये केस कौन सा है हमारा, पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस लाइन पे हमारे पोल्स आ रहे हैं, यानी कि ये हमारी रियल एक्सिस लाइन है, ये हमारा अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन है। तो एक हमारा पोल z = 0, ये z = 1, ये z = −1, ये, और हमारा कोई पोल इसके अलावा है नहीं जो अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन पे है। हमारे 3 पोल निकले हैं और ये तीनों पोल हमारे रियल एक्सिस लाइन पे है। क्या करना है, आप तीनों के करेस्पॉन्डिंग आप रेसिड्यू निकाल दो। तो रेसिड्यू निकालते हैं, रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे हम लोग पहले निकालते हैं, z = −1 पे, −1 पे निकालना है सबसे पहले।
ऐसे जा रही है। तो सिंपल पोल है, सिंपल पोल पे रेसिड्यू निकालने का तरीका, जिस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करें, यानी कि z टेंडिंग टू माइनस वन, फिर z को उस पॉइंट से मल्टीप्लाई करा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो z माइनस माइनस प्लस वन एफ जेड, यानी कि लिमिट z टेंडिंग टू माइनस वन z प्लस वन एफ जेड हमारा क्या है, e की पावर आयोटा पाई z z 1 माइनस जेड स्क्वायर की जगह आप लिख दो 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, तो z प्लस वन और 1 प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया। आप लिमिट पुट कर दोगे तो आएगा e की पावर माइनस वन आएगा, तो माइनस आयोटा पाई माइनस वन, और ये वन माइनस माइनस यानी कि वन माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, तो वन प्लस वन टू, और टू का माइनस वन से करोगे तो आएगा माइनस टू। तो ये हमारा रेसिड्यू आ गया किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू माइनस वन। अब रेसिड्यू निकालते हैं हम लोग जेड इक्वल टू वन पे निकाल लेते सबसे पहले, जेड इक्वल टू वन पे क्या तरीका है, जिस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करें जेड टेंडिंग टू वन, जहां पे निकालना है उस पॉइंट से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यानी जेड माइनस वन। एफ जेड हमारा क्या है, ई की पावर आयोटा पाई जेड जेड वन माइनस जेड वन प्लस जेड, z माइनस वन से वन माइनस जेड कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस एक आएगा, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब लिमिट पुट करेंगे तो आएगा e की पावर आयोटा पाई ये वन प्लस वन और एक हमारा माइनस वन, तो ये हो गया हमारा e की पावर आयोटा पाई टू माइनस। अब एक रेसिड्यू हमारा जीरो पे भी निकालना है z इक्वल टू जीरो, तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करें z टेंडिंग टू जीरो, z माइनस जीरो फंक्शन से मल्टीप्लाई, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो z एफ जेड है क्या, e की पावर आयोटा पाई z z 1 माइनस जेड वन प्लस जेड, z से z कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 0 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो ये होगा हमारा 1 ये 1 1, तो क्या पूरा है, यानी कि z इक्वल टू 0 पे हमारा रेसिड्यू कितना है 1 आया। तो यानी कि तीन पोल है, तीनों रियल एक्सिस लाइन पे हैं, तो हमने क्या किया तीनों के करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल दिए, वही रिजल्ट लगाएंगे, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आयोटा एम, एम नहीं है यहां पे पाई दिया हुआ है, पाई एक्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू पाई आयोटा रेसिड्यू निकालिए वो पॉइंट्स पे जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर हो, मगर ऐसा कोई हमारा पोल दिया नहीं हुआ है जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर है, फिर पाई आयोटा और जितने भी रियल एक्सिस लाइन पे पोल्स हैं उन सबके करेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल के सम कर दो, यानी कि जो पोल्स पे हमारे रियल एक्सिस लाइन पे जो पोल्स हैं उनका रेसिड्यू का सम पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और जो रियल एक्सिस लाइन के ऊपर होंगे उनका टू पाई आयोटा से। तो एक रेसिड्यू आया हमारा जेड इक्वल टू माइनस वन, फिर एक आया जेड इक्वल टू वन, फिर एक आया जेड इक्वल टू जीरो, और ये तीनों रेसिड्यूज का हम सम कर रहे हैं। अब आप देखिए ध्यान से, ये जीरो है क्योंकि हमारा रियल एक्सिस लाइन के ऊपर कोई पोल है नहीं, तो रेसिड्यू निकालने का सवाल नहीं। पाई आयोटा जेड इक्वल टू माइनस वन पे हमने निकाला हुआ है ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू, माइनस का है गुरु, और ये वन पे निकाला हुआ है माइनस ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, फिर z इक्वल टू जीरो पे है वन। अब एक काम करें आप, काम ये करते हैं हम लोग, पाई आयोटा माइनस कॉमन ले लेते हैं
e की पावर आयोटा पाई प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू प्लस वन। कुछ भी नया नहीं किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया है। तो आप इसको, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कॉस पाई। क्या है? कॉस पाई। तो पाई आयोटा माइनस कॉस पाई प्लस वन। तो पाई आयोटा कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन, तो ये कितना आया? टू पाई आयोटा। क्या आया? टू पाई आयोटा। तो हमें ये जो हमने प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आई टू पाई आयोटा। हमें क्या लेना है? इमेजिनरी पार्ट। क्या लेना है हमें? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट किसका? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर आयोटा पाई एक्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आया यहां पे? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, टू पाई। टू पाई आया। अब आप देखिए, अब टू पाई का हाफ से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड दोनों साइड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टू टू, और ये जब टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? पाई। तो यही हमारी वैल्यू होगी जीरो से इनफाइनाइट साइन पाई एक्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की। क्या? पाई। निकालने का तरीका हम लोगों ने देखा, और ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे किस हिसाब से थे? कि जब पोल हमारा रियल एक्सिस लाइन पे है। तो आज हम लोगों ने दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व किया, और क्या यूज किया? डायरेक्ट रिजल्ट जो हम लोगों ने देखा। अब बात आती कि ये डायरेक्ट रिजल्ट आया कैसे, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में, आपको ये रिजल्ट याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, एक नए तरीके से इस प्रकार के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे जब उनका रियल एक्सिस लाइन पे पोल होगा। तो अगर आपको इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।